हम लोग थोड़ी धरती पाऊं नामक कविता को पढ़ रहे थे। अपनी पिछली कक्षा में हमने इस कविता के बारे में चर्चा की थी और इनकी पंक्तियों को विस्तार से समझने की कोशिश की थी। बच्चों, एक बार पुनः जो हम अपनी पिछली कक्षा में जिन पंक्तियों की चर्चा कर चुके हैं, जिनको हमने विस्तार से समझा था, एक बार मैं पुनः उनको दोहराता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग आगे बची हुई पंक्तियों को विस्तार से समझेंगे और उनकी चर्चा करेंगे कि पंक्तियों में कवि के क्या विचार हैं और वह क्या कहना चाहता है, अपनी इस कविता के माध्यम से वह क्या संदेश देना चाहता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। पहले पिछली कक्षा में जो हमने चर्चा की थी, जो हमने समझा था, उसको एक संक्षिप्त रूप में तुरंत समझने का प्रयास करते हैं, फिर आगे आने वाली पंक्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, अब तक हमने देखा कि कवि इस कविता में कहता है, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं। हम लोग की कविता का नाम क्या है प्यारे बच्चों? हम लोग का जो पाठ है, जो अध्याय है, उसका नाम है थोड़ी धरती पाऊं। कवि इस कविता के माध्यम से अब तक जो हमने चर्चा की थी, उसमें यह कवि कहता है कि उसे तलाश है थोड़े से स्थान की, थोड़ी धरती पाऊं मतलब उसे थोड़े से स्थान की तलाश है जहां पर वह बाग बगीचे पेड़ पौधे लगा सके और हरियाली आ सके। जिसकी वजह से कवि यह चाहता है, उसकी हार्दिक इच्छा है कि वह बाग बगीचे लगाए, पेड़ पौधे लगाए और जिसकी वजह से हरियाली व्याप्त हो। तो इसी संदर्भ में कवि अपनी कविता के माध्यम से कहता है, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगो ले। इन पंक्तियों को हमने विस्तार से समझा था अपनी पिछली कक्षा में कि कवि जब थोड़ा सा जब उसको स्थान मिल जाएगा जहाँ पर वह बाग बगीचे लगाएगा, तो तब वहाँ पर फल फूल खिलेंगे और जिनकी वजह से चिड़िया और जो पशु पक्षियाँ हैं वहाँ पर आने लगेंगे और एक प्रकार का बहुत ही खुशनुमा वातावरण वहाँ पर बन जाएगा। कवि आगे कहता है, लेकिन एक इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है। क्यों? क्योंकि मानव अपने विकास के चक्कर में पेड़ पौधों, बाग बगीचों, इसकी अनदेखी कर रहा है। तो इसी बात से चिंतित होकर कवि कहता है कि लेकिन एक इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई। कवि यह कहता है कि उसकी हार्दिक इच्छा तो है कि उसे थोड़ा सा स्थान मिले, थोड़ी सी जमीन मिले जहाँ पर वह पेड़ पौधों को लगाए, बाग बगीचों को उगाए, हरियाली जिसकी वजह से आ सके। लेकिन उसे दुख है इस बात का कि वह इस कार्य के लिए उसे थोड़ा सा स्थान नहीं मिल पा रहा है। इस कविता में जो एक पंक्ति में जो एक शब्द लिखा हुआ है, लेकिन एक इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक इंच धरती का मतलब उसे थोड़ा सा स्थान भी नहीं मिल पाया जहाँ पर कि वह पेड़ पौधे उगाए और बाग बगीचे लगाए, जिसकी वजह से उसकी जो इच्छा है कि हरियाली व्याप्त हो और एक शुद्ध वातावरण का निर्माण हो जाए वहाँ पर, वह पूरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मानव अंधाधुंध विकास के चक्कर में अपने अपने ही बारे में सिर्फ सोच रहा है। वह एक प्रकार से स्वार्थी हो चुका है और इतना विकास आगे बढ़ गया है कि पेड़ पौधों और वातावरण के लिए उसके पास समय ही नहीं है। कवि आगे कहता है, हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फल फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो। कवि कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसी जगह पर हों, ऐसे स्थान पर निवास करते हों, रहते हों जहां पर आपके आसपास हरियाली हो, पेड़ पौधे हों, बगीचे हों। तो आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके आसपास अभी हरियाली व्याप्त है, अभी बाग बगीचे हैं, अभी उनका वातावरण बहुत ही शुद्ध है। तो ऐसे लोगों को वह इंगित करते हुए कहता है कवि, हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फल फूल फलों से लदे बगीचे
और अपनी धरती हो। आगे कवि कहता है, हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों। हमने इसकी चर्चा की थी कि चौपाए मतलब चार पैरों वाले पशु, चौपाए मतलब चार पैरों वाले पशु। इसकी अपनी पिछली कक्षा में इसकी चर्चा की थी कि चौपाए मतलब, हमने शब्दार्थ में भी इसको लिखा था कि चार पैरों वाले पशु। हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। सहन, सहन की चर्चा हमने की थी। सहन मतलब होता है आंगन, ठीक है, सहन का अर्थ होता है आंगन। आमतौर पर हम लोग सहन एक जो शब्द सुनते हैं वह इस प्रकार से सुनते हैं कि मुझसे अब सहन नहीं हो रहा है, इतनी गर्मी मुझसे सहन नहीं हो रही है। तो वह सहन दूसरा है और यह सहन दूसरा है। इस सहन का मतलब होता है आंगन, ठीक है, इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछली कक्षा में की थी। तो हमने उसको हल्का सा पिछली कक्षा में क्या हमने पढ़ा, क्या हमने चर्चा की, उसके क्या अर्थ हमने समझे, उसकी चर्चा हमने आज मैंने उतनी कर दी। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और विस्तृत रूप से, विस्तार से आगे की पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है, उसके क्या विचार हैं, उसको अब विस्तार से समझेंगे। प्यारे बच्चों, कवि कहता है, तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। कवि क्या विनती करता है, विनती, विनती मतलब क्या होता है, विनती का अर्थ क्या होता है, विनती का अर्थ होता है प्रार्थना। विनती का अर्थ होता है प्रार्थना, ठीक है, या हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं या फिर अपने बड़े बुजुर्गों, किसी से भी प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो उसका अर्थ होता है विनती यानी प्रार्थना, ठीक है, बहुत ही सरल है। तो कवि क्या विनती करता है और किनसे विनती करता है, यह प्रश्न उठता है कि कवि विनती क्या करता है और किनसे विनती करता है। तो कवि हम इंसानों से विनती करता है, उन इंसानों से जिनके, जिनका निवास ऐसे स्थान पर है जहाँ की चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, बाग बागीचे हैं, जो ऐसे स्थान पर रह रहे हैं, उनसे कवि विनती करता है। कवि क्या विनती करता है, वह विनती में क्या कहता है, वह कहता है, तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना। किस दुनिया की बात हो रही है यहाँ पे, उस दुनिया की जब जो हमारे चारों तरफ व्याप्त है, जो हरियाली से भरी हुई है, वे लोग जो हरियाली भरे वातावरण में रह रहे हैं, जिनके आसपास बाग बगीचे हैं, उनको वह विनती करता है, उनके सामने वह विनती करता है कि ऐसी दुनिया को कभी मत खोना, यह एक प्रकार से आपका सौभाग्य है, यह बहुत ही अच्छा है, एक तरीके से आपका बहुत अच्छा सौभाग्य है कि आप ऐसी जगह पर हैं या फिर आपके चारों तरफ एक ऐसा वातावरण है जहाँ पर कि पेड़ पौधे की अधिकता है, पेड़ पौधों की अधिकता है, बाग बागीचे हैं, हरियाली है, और वहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध है। जैसा कि हम जानते हैं, पेड़ पौधे, बाग बागीचे, हरियाली होने के वजह से वहाँ का वातावरण एकदम मनोरम हो जाता है, एकदम शुद्ध हो जाता है और एकदम अच्छा हो जाता है। तो कभी उन्हीं लोगों से विनती करता है कि अगर ऐसी जगह पर आप हैं, ऐसा वातावरण आपके आसपास है, तो आपसे विनती है, तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, उस दुनिया को आप कभी मत खोइएगा। पेड़ों को अब उस, वह दुनिया कैसे खो सकती है, जो दुनिया हमारे चारों तरफ है, जो कि हरियाली से भरी हुई है, पेड़ पौधे हैं, बाग बागीचे हैं, वहाँ का वातावरण बहुत ही उत्तम है, बहुत ही अच्छा है,
तो ऐसी दुनिया को हम कैसे खो सकते हैं? तो कवि कहता है, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना, एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। कवि कहता है पेड़ों को मत कटने देना। कवि ऐसा क्यों कहता है? पेड़ों के कटने से क्या हो सकता है? पेड़ यदि काट दिए जाएं तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? कवि ऐसा इसलिए कहता है, वह कहता है कि यदि आप ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पर बहुत अच्छा वातावरण है, वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, बागीचे हैं, मतलब सब कुछ उत्तम है, वहाँ पर वहाँ का वातावरण एकदम शुद्ध है, वहाँ शुद्ध हवा बहती है, तो ऐसी जगह पे यदि पेड़ काट दिए जाएंगे, बाग बागीचे उजाड़ दिए जाएंगे, या फिर उनकी अनदेखी यदि की जाएगी, पेड़ पौधे बाग बागीचे जो वहाँ पर हैं चारों तरफ, उनकी अनदेखी यदि करने लगेंगे, या फिर उनका रख रखाव नहीं किया जाएगा अच्छे से, उनकी देखभाल नहीं की जाएगी अच्छे से, तो क्या होगा? तो धीरे धीरे वो उजड़ जाएंगे, वहाँ के बागीचे उजड़ जाएंगे, या फिर कोई पेड़ यदि काट देगा तो फिर वह हरियाली वहाँ पर नहीं रहेगी, वह धीरे धीरे बंजर जमीन के रूप में परिवर्तित होने लगेगी, धीरे धीरे वहाँ पे पेड़ों की संख्या कम हो जाएगी, वहाँ पर बाग बागीचे उजड़ जाएंगे, वहाँ पे चिड़ियों की चहचहाट फिर नहीं रहेगी, वहाँ पे शुद्ध हवा फिर नहीं बहेगी, वहाँ का पूरा वातावरण ही धीरे धीरे बदलने लगेगा, जो कि पहले बहुत ही अच्छा था वातावरण पेड़ पौधे और हरियाली के वजह से, अगर वहाँ पे हम उनकी अनदेखी करने लगे, उनका रखरखाव अच्छे से ना किया गया, पेड़ पौधों को काटा जाने लगा, तो क्या होगा? तो धीरे धीरे वहाँ का दृश्य भी पीड़ा देने वाला हो जाएगा। पीड़ा देने वाला इस कैसे हो जाएगा? क्योंकि फिर वहाँ पर वह बात नहीं रहेगी जो वहाँ की हरियाली की वजह से होती थी, जो वहाँ पे चारों तरफ बाग बागीचे होने के वजह से जो बात वहाँ पे वहाँ के वातावरण में होती थी, वह बात फिर नहीं रह जाएगी। तो कवि इसीलिए विनती करता है, प्रार्थना करता है, और पहले से ही आगाह करता है। क्या आगाह करता है, क्या विनती करता है, क्या प्रार्थना करता है? कवि कहता है, तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, इतनी प्यारी दुनिया को, इतनी मनोरम दुनिया को, इतनी सुंदर दुनिया को, जो कि पेड़ पौधे बाग बागीचे पशु पक्षियों के आने के वजह से बनी हुई है, इतनी प्यारी दुनिया को आप कभी मत खोना। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप ऐसी दुनिया में निवास करते हैं, आप ऐसी दुनिया में रहते हैं, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। सबके भाग्य में ये नहीं होता कि उनके चारों तरफ पेड़ पौधे हरियाली बाग बागीचे हों। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आज मानव विकास करते करते पेड़ पौधों की रखरखाव के लिए, उनकी देखभाल के लिए किसी के पास समय ही नहीं है, ना ही कोई विचार करता है। तो कभी इस बात से दुखी है कि उसे तो थोड़ी सी जगह चाहिए थी, थोड़ा सा स्थान चाहिए था जहाँ पर वह उगा सके, जैसा कि उसने कविता की प्रारंभ की पंक्तियों में कहा है कि बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊँ, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊँ। कविता की प्रारंभ की पंक्तियों में ही कवि अपने विचार प्रस्तुत करता है, तो उसमें कहता है, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊँ, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊँ, खिले फूल फल चिड़ियाँ बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। लेकिन वह फिर देखता है, वह क्या देखता है कि उसे थोड़ा सा भी स्थान नहीं मिल रहा है जहाँ पर कि वह बाग बगीचे लगा सके, पेड़ पौधे उगा सके, उसे ऐसा स्थान नहीं मिल रहा है। तो फिर वह देखता है कि ऐसे कुछ चुनिंदा लोग हैं, कुछ ही लोग हैं जो ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ पर कि, प्यारे बच्चों, तो कवि ऐसे लोगों से विनती करता है और कहता है कि तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। अर्थात कवि यह जानता है कि ऐसे कुछ ही लोग हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके आसपास बाग बागीचे, पेड़ पौधे, हरियाली अभी भी व्याप्त है, वो एक बहुत ही अच्छे वातावरण में रहते हैं और वहाँ का लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो
यदि वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, बाग बागीचे हैं, तो कवि उन लोगों से निवेदन करता है, उन लोगों से विनती करता है कि ऐसे ऐसे मनोरम दृश्य को आप कभी मत खोना। ऐसा मनोरम दृश्य कब खो सकता है, ऐसा सुंदर वातावरण कब खो सकता है, जबकि वहाँ के पेड़ पौधे काट दिए जाएं, वहाँ पे जो भी हरियाली है, जो भी बाग बागीचे हैं, अगर उनका रख रखाव ना किया जाए, अगर उनको उजाड़ दिया जाए, या फिर रख रखाव ना करने की वजह से वे खुद ही उजड़ जाएं, तो ऐसे लोगों को वह आगाह करता है, एक तरीके से विनती और प्रार्थना भी करता है कि आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनके आसपास हरियाली है, तो आप इसको मत खोना। इसको मत खोने का तात्पर्य है, आगे कवि कहता है, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। यानी पेड़ यदि कट जाएंगे तो वहाँ पे चिड़ियों का जो बसेरा है, वहाँ पे वैसे भी जब चिड़िया आके बैठती हैं पेड़ पौधों पे, या फिर जो पहले से वहाँ पे उनका बसेरा है, जो वहाँ पे उनके घोंसले हैं, या फिर जो भी वहाँ पे अन्य प्रकार के पशु पक्षियाँ आते हैं, उनका आना बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे हरियाली होगी ही नहीं, तो फिर पशु पक्षियाँ वहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से कवि उन लोगों से विनती करते हुए कहता है, तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। बहुत ही सुंदर भाव इस कविता में कवि इन पंक्तियों द्वारा हमको प्रदर्शित करता है। कवि आगे कहता है, एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं। कवि कहता है आगे, कविता की आगे की पंक्तियों में कवि कहता है, एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। अब शाखें, शाखें का अर्थ क्या होता है, शाखा, शाखा का अर्थ होता है डाली, ठीक है, जो पेड़ की टहनियाँ होती हैं, जो पेड़ की डाली होती है, उसको शाखा कहते हैं। शिशुओं सा, शिशुओं का मतलब शिशु छोटे बच्चों को बोला जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, नन्हे बालक होते हैं, उन्हें शिशु बोला जाता है। शिशुओं सा यानी बच्चों के जैसा, बच्चों सा, शिशुओं सा यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें शिशु कहते हैं। तो इस प्रकार से शिशुओं सा का अर्थ होता है बच्चों सा। शिशुओं सा मतलब बच्चों जैसे, ठीक है। तो हमने देखा शाखा मतलब डाली, शिशुओं सा मतलब बच्चों जैसे। तो कवि इन पंक्तियों में उसके कहने का तात्पर्य क्या है, वो किन भावों को प्रकट करता है। कवि कहता है, एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखे कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। मतलब कि हम कि हमारे जो सारे सपने जुड़े हुए हैं वो पेड़ पौधे हरियाली बाग बागीचों के होने के वजह से है, उनसे हमें बहुत ही लाभ है। तो यदि उनकी शाखाएं काट दी जाएंगी, यदि पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया जाएगा, बाग बागीचों को उजाड़ दिया जाएगा, तो इससे हमारे सपने जो उनसे जुड़े हुए हैं उनको भी चोट पहुंचेगी, उन्हें भी नुकसान होगा। तो कवि यह कहता है कि ऐसी स्थिति कभी नहीं आने देना जिसमें कि आपके सपने या आपकी खुशियाँ, जो कि आपके चारों तरफ के वातावरण से जुड़ी हुई हैं, चारों तरफ के जो हरियाली है, जो भी आपके चारों तरफ मनोरम दृश्य हैं उससे जुड़े हुए हैं, तो वो कहीं आप खो न दें। इसलिए कवि यह निवेदन और प्रार्थना करता है। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने देखा कि इस कविता में कवि
बाग बागीचों, हरियाली, पेड़ पौधों के महत्व को बताता है और उसे थोड़ी सी भी जमीन अब नहीं मिल रही है, थोड़ी सी धरती नहीं मिल रही है जहाँ पे वो बाग बागीचों को उगा सके और अपने चारों तरफ एक सुंदर वातावरण का निर्माण कर सके। प्यारे बच्चों, आगे इस कविता में जो भी पंक्तियाँ बची हैं उसे हम अपनी अगली कक्षा में विस्तार से समझेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आपके गृह कार्य में आप लोगों को यह कविता जो है इसको पढ़ना है और अब तक जो भी पंक्तियों का हमने जिन भी पंक्तियों को विस्तार से समझा है उसे याद करना है। इसके आगे की जो पंक्तियां हैं उसकी चर्चा हम अपने अगले कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।